गर्मियों के महीने शुरू हो गए हैं। अभी आपको हर दिन नए नए पौधे मिलेंगे देखने को नर्सरी में, चाहे वो विंका का पौधा हो, चाहे वो जीनिया का हो, कोचिया का हो, रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे सभी जगह आपको मिलेंगे। पर दोस्तों, अगर आपने खरीदे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए या खाद वगैरह देना चाहिए, जिसके साथ जो आपका पौधा है बहुत अच्छे फूल निकालेगा और ना ही उसमें कोई बीमारी आएगी और आपके पौधे की जो हेल्थ है वो भी बहुत बढ़िया रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात लेते हैं पहली खाद के बारे में जो मैं अपने पौधों में डालता हूं। आप देख सकते हो, ये दोस्तों मैंने घर पे थोड़ी बहुत बनाई थी खाद और नॉर्मल प्रोसेस था, मैंने बनाई थी। जो काउडंग कंपोस्ट है उसको बढ़िया तरीके से मैंने, जो हमारे पास उपले होते हैं उनको अच्छे से डीकम्पोज करवाया था। और दोस्तों, जो ये वाली काउडंग कंपोस्ट होती है नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा रिच होती है। नाइट्रोजन इसलिए चाहिए होती है, जैसे हमें कोई लीफी प्लांट लगाने होते हैं, जैसे कोचिया प्लांट हो गया, इनके फूल तो नहीं आते हैं खैर, पर इनकी जो फ्लावरिंग के बिना जो इसकी ग्रीनरी है बहुत अच्छी लगती है। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, जितने ज़्यादा पत्ते इसके बड़े होंगे, उतना ज़्यादा अच्छा ये पौधा लगता है। इसके लिए दोस्तों, जो काउडंग कंपोस्ट है बहुत बढ़िया रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कोचिया का पौधा लगाया है या फिर एमरेंथस का, जो कोलियस के फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसपे फॉयलेज ज़्यादा होती है मतलब, तो उनमें आप काउडंग कंपोस्ट है डाल सकते हो। मेरे पास जैसे 8 इंची का गमला है, इसमें मैं क्या करूँगा, 20 से 25 ग्राम जो काउडंग कंपोस्ट है ये हर एक 25 दिन बाद डालूंगा, जिसके साथ आपके पौधे बहुत बढ़िया रहेंगे। और दोस्तों, हमारे पास दूसरा फर्टिलाइज़र आ जाता है, वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए होता है, जैसे जीनिया आपको पता है बहुत बड़े फूल निकालता है, या फिर गोनफिराना विंका हो गया। तो इनके लिए दोस्तों, जो मैंने देखा है कि बनाना पील जो हमारे पास होते हैं, केले के छिलके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पोटेशियम का रिच जो सोर्स रहते हैं, इसके लिए हम इसको अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर फॉयल स्प्रे भी बना सकते हैं। पर सबसे बढ़िया मुझे यही लगता है कि आप इसको अच्छे से सुखा लें, पर मेरे पास अभी 50% इनमें मॉइस्चर अभी भी है, पर पूरी तरह से जब ये काले हो जाए, अपने आप जो पाउडर बनना शुरू हो जाए, तो आप इसको अपने पौधे की टॉप सॉइल में डाल सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, जब भी कोई नए पौधे की मिट्टी बनाने लगो, जैसे आप देख सकते हो मैं सैंडी सॉइल ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मेरे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं फूलों वाले पौधों के लिए सीजनल के लिए, उसमें भी आप इसको मिला सकते हो। इसके साथ धीरे धीरे से जब भी दोस्तों हमारे पौधे को पोटाशियम की जरूरत रहेगी तो ये पौधा लेता रहेगा। और दोस्तों, हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो बहुत जरूरी है पौधे के लिए, कि जब भी हम कोई पौधा लेकर आते हैं कि आपको पता होना चाहिए जिस पौधे की पिंचिंग करनी जरूरी है और किस पौधे की नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास जीनिया का पौधा है, गुनफराना का पौधा है, विंका का पौधा है, जिनमें जो फूल हैं रेगुलर खिलते हैं, रेगुलर झड़ते भी रहते हैं, तो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स की आपको पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके साथ दोस्तों क्या होता है, जो आपका पौधा है वो एक तरह का बुशी भी रहता है, और साथ में इसमें जो फ्लावरिंग है, जो फूल है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो जीनिया का दूसरा पौधा है, उसकी मैंने पिंचिंग हालांकि 10 दिन पहले की थी, और उसमें आप देख सकते हो 6-7 ब्रांचेज इकट्ठी आ गई हैं। अगर मैं दूसरे पौधे की ना करता तो वो सिर्फ एक ही फूल निकालता जो बड़ा रहता, और दूसरे फूल उस पर शायद आते ही ना, क्योंकि दोबारा से जो पौधा है फूल बहुत मुश्किल से निकालता है जीनिया का। इसलिए सबसे पहले जो इसकी फ्लावरिंग होती है जो सबसे बेस्ट रहती है। और दोस्तों, जब भी आप कोई पौधे की प्रूनिंग करते हो तो उसको अच्छे तरीके से दोबारा से ग्रोथ करवाने के लिए, एनर्जी देने के लिए खाद देना बहुत ज़रूरी रहता है। गुड़ाई करके आप थोड़ी बहुत वर्मिंग कंपोस्ट या फिर आप काउडंग कंपोस्ट डाल सकते हो जीनिया के पौधे में, जब भी आप कोई पिंचिंग करते हो कोई भी पौधे की। उसके साथ क्या होता है, पौधा दोबारा से ग्रोथ करनी बहुत जल्दी से चालू करता है, तो ऐसे आपको पिंचिंग भी जरूर करनी है। विंका की स्पेशली आप करें, जीनिया की स्पेशली आप करें, या फिर गुनफराना का पौधा रहता है, कोचिया में भी करनी कर सकते हैं, पर इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहती है। और दोस्तों, हमारा जो अगला मेन पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत सारे लोग ये फॉलो भी करते हैं, कि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं समर के, इनको पूरी धूप में रखना बहुत ज़रूरी रहता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा मैं यही कहता हूँ, जो भी आपके पास पौधा है, चाहे विंका का है, पोर्चुला का है, इनको अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो सबसे बड़ा ये भी कारण हो सकता है कि इसको धूप है 11 घंटों की नहीं मिल रही है। आप क्या करें, इसको कम से कम 6 से 7 घंटे की जो धूप होती है उसमें रखें, जिसमें ये अच्छे तरीके से अपनी जो एनर्जी भी बनाएगा और साथ में आपके पौधे पे फूल हैं बहुत अच्छे आएंगे। जब भी आप कोई पौधे को धूप में रखते हो तो उसके साथ उसका पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पूरा रखना चाहिए। जैसे जीनिया है दोस्तों, थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा पानी लेता है, आप क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह इसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी डालकर शाम को इसको पूरी तरह से नहला दें पानी से, जिसके साथ इसकी जो ग्रोथ है कंटिन्यू रहेगी।
और ये दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है ये मेरे जैसे गार्डनर्स के लिए जिनके पास बहुत सारे पौधे रहते हैं। जैसे दोस्तों हम खाद तो डाल लेते हैं, पर अगर आपके पास 100 के ऊपर गमले होते हैं तो उनको हर एक को अलग अलग से खाद डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फ्लावरिंग आने से पहले जो हमारा पौधा होता है उसको बढ़िया तरीके से तैयार करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों उस वक्त के लिए आप क्या कर सकते हो, जो केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे पास NPK 18-18-18 होती है, जो फॉलर स्प्रे रहती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास ये 2 लीटर वाला स्प्रेयर है, इसमें मैं 2 ग्राम जो NPK है वो डाल लूंगा, और 2 ग्राम या 4 ग्राम तक आप कर सकते हैं NPK 18-18-18, और इसको डालकर पौधे की जो फॉइलेज है, जो पत्ते हैं, उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों जब तक फूल नहीं आते तब तक आपने करना है, जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो आपने ये फर्टिलाइजर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फॉलर स्प्रे होने के साथ जो इसके फ्लावरिंग है उसके ऊपर ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकता है, जैसे फूलों की जो पेटल होती हैं उसके ऊपर। तो मैं दोस्तों इसको हमेशा स्प्रे करता हूँ, आपने देखा होगा मेरी पहले वाली वीडियोस भी, जैसे मेरे पास कोई सैपलिंग्स होती हैं जो मैं बीच से लगाता हूँ, तो जब तक वो फूल पे नहीं आती उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए मैं फॉलर स्प्रे ज़रूर यूज़ करता हूँ। इसको भी दोस्तों आपने 20 दिन के गैप बाद डालना है। इन तीनों फर्टिलाइज़र में दोस्तों एक ही डालें, ऐसा नहीं आपको तीनों इकट्ठे कर देने हैं, ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन टू गेट रेगुलर।